बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबीका या हबीबल्लाह। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ इरफान संधू और आप देख रहे हैं चरवेंट टीवी। आज से एक हफ्ता हो गया, बहुत सारे लोग परेशान और बिलों की वजह से, ज़्यादा बिलों की वजह से लोग बाहर आ गए हैं। सड़कों पे रश बहुत ज़्यादा है, सड़कें ब्लॉक करके एहतजाज कर रहे हैं। तो मैं खुद देख रहा हूँ, आज से 3-4 दिन हो गए हैं जो रोड हैं, रोड ब्लॉक किए हुए हैं, उनको बिल जो बिजली के बिल हैं इनको जलाया जा रहा है, एहतजाज हो रहा है। ये इसकी वजह, मेन वजूहात मैं आपको बताता हूँ आज कि इनकी वजूहात क्या है। हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ये चाहिए कि ये जो पाकिस्तान की आवाम है ना, इनको रिलीफ देना चाहिए। आप देख लें कि आज से एक डेढ़ साल पहले पीछे चले जाएं, पेट्रोल की कीमत क्या थी, डॉलर की कीमत क्या थी, इसके अलावा आटा चीनी सब कुछ सस्ता था। आज अभी 2023 है, पेट्रोल 300 से भी ज़्यादा हो गया है, डॉलर 300 से भी ज़्यादा हो गया है, बिजली का फी यूनिट 55 रुपये यूनिट, घर का जो बिल है ठीक है ना, वो फी यूनिट 55,000 रुपये पड़ रहे हैं, 65 रुपये पड़ रहा है जो कमर्शियल है दुकानदार को। आप मुझे ये बता दें कि जो बंदा गरीब आवाम है वो तो 20-25,000 रुपया कमाने वाली आवाम है। लोग 20-25,000 रुपया, 30,000 रुपया कमा रहे हैं। अगर उनको बिल आ जाता है 40,000 रुपया, मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आ रहे हैं लोगों को 50-50,000 रुपया बिल आ रहे हैं। अगर उसको 40-50,000 रुपया बिल आ जाता है तो 30,000 रुपया महाना कमाने वाला बंदा वो बिल कहाँ से अदा करेगा। अगर वो बिल अदा कर देता है, किसी से पैसे पकड़ के बिल अदा कर देता है, तो वो घर कैसे चलाएगा, अपना अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा। जो हुक्मरान होते हैं उनको सब कुछ पता होता है कि अवाम हमारी जो है, पाकिस्तान की अवाम है या हुक्मरान होते हैं उनको, वो किसी भी अवाम के हुक्मरान होते हैं उनको पता होता है। उसके अलावा जो हुक्मरान होते हैं, किसी भी मुल्क के हुक्मरान होते हैं, उसको अपनी अवाम का पता होता है कि वो कितना जो अफोर्ड कर सकती है। पाकिस्तान पहले ही गुर्बत में फंसा हुआ है। अब देख लें कि मैं खुद यहाँ पे अगर नज़र डालूँ ना, शहर में रोड पे जाते हैं, कोई एक सीपीओ आरपीओ या कोई भी ऑफिसर जाता है ना, उसके साथ 3-3, 4-4 गाड़ियाँ होती हैं, उनके साथ गाड़ियाँ होती हैं, उनके साथ मुलाजमीन होते हैं, सरकारी मुलाजमीन होते हैं। अच्छा मुझे ये बता दें, उनका पेट्रोल भी फ्री और जो जो उनको मुलाजम दिए गए हैं उनके जो तनख्वाह है महीने की, सारा सरकारी खजाने से जाता है। हमें ये चाहिए कि जो एक्स्ट्रा पेट्रोल दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा बिजली इन लोगों को, अफसरों को दी जा रही है, ये काम की जाए, बिल्कुल इनको ख़त्म की जाए। ये पैसे बहुत, तनख्वाह इनकी 1.5-2 लाख से ऊपर होती है, जो 17वें-18वें ग्रेड के ऑफिसर होते हैं इनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा होती है। इनको भी चाहिए अपने तनख्वाह से, पैसों से बिल अदा करना, गैस का बिल अदा करना, बिजली का बिल अदा करना, पेट्रोल ख़रीदना पम्प, पेट्रोल पम्प से जाके। ये ना हो कि 120 लीटर 18वें ग्रेड के ऑफिसर को 120 लीटर पेट्रोल फ्री दिया जा रहा है। तो ऐसे ये तो नाइंसाफ़ी है हमारी मुल्क के साथ, हमारी आवाम के साथ। और दूसरी बात, आटा महंगा हुआ, आवाम बाहर नहीं आई, घी महंगा हुआ, आवाम बाहर नहीं आई, 600 रुपये तक चला गया था। और चीनी का रेट, मैं कसम उठा के कह रहा हूँ कि आज के दिन का रेट चीनी का 170 रुपये किलो पर केजी का है, दूध 200 रुपये फी लीटर मिल रहा है एक किलो का रेट। अगर आवाम बाहर आती है तो आप उस पर शेलिंग करते हो, उसको पकड़ के गिरफ्तार करके अंदर देते हो, तो फिर आवाम क्या करें? आवाम ने बाहर नहीं आना तो फिर क्या करेगी आवाम अपने हक के लिए? अगर आवाम बाहर आती है, आज इजलास हुआ तो आज इजलास में हंगामी इजलास था, उन्होंने ये कहा कि जो आवाम से बिल इतने इतने ज़्यादा आए हैं तो उनका बिल किस्तों में हम पे करेंगे। यार अगर किस्तों में पे करेंगे तो जो अगला बिल आ रहा है बिल, उसका क्या करेंगे वो लोग? वो भी ज़्यादा आएगा।
मेरी सबसे गुजारिश है, तमाम हुक्मरान से गुजारिश है कि ये जो मामला चल रहा है महंगाई का, आईएमएफ जो है, आईएमएफ जो है ये क्या चीज है, अगर वो कहता है इस पे टैक्स देने शुरू कर दें, तो यार टैक्स हमने तो नहीं लिए हुए, हमने कर्जा तो नहीं लिया हुआ, इस मुल्क में हमें चैन से जीने दो और हमारी आवाम को चैन से जीने दो। आप बता दें कि हमने आईएमएफ से कर्जा लिया हुआ है, किसने लिया हुआ है? हमारी आवाम अगर एक माचिस लेती है उस पर भी टैक्स देना पड़ रहा है हमें। खुदारा हम पे रहम करें, और जो जितनी आवाम बाहर निकली है इनको ठीक है ना, आप कंप्रोमाइज करके इनके साथ तामन करें। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।